तो आज हम लोग बीरमित्रापुर में जितना भी पंडाल बना है ना, देखते हैं कवर करेंगे। गाइज मैं हूँ फिलहाल अभी बीरमित्रापुर में और अभी चल रहा है गणेश पूजा। कल मैं गया था राउरकेला, राउरकेला में जितना हो सका मैंने दिखाया था कल। तो आज हम लोग बीरमित्रापुर में जितना भी पंडाल बना है ना, देखते हैं कवर करेंगे। हम लोग जाएंगे स्टेशन होके, ये जो बंगला मोड़ है ना ये साइड से, और निकलेंगे उधर हम लोग मार्केट होके, डेली मार्केट वो साइड में, मतलब यहाँ से ये साइड होके पूरा वो साइड जाएंगे। वहाँ में जितना भी पंडाल है बीच में जितना भी मिलता है तो मैं आप लोग को दर्शन कराता हूँ, मैं भी खुद कर लूंगा। तो बस लास्ट तक बने रहना, और सबसे अच्छा कौन सा पंडाल है वो लास्ट तक देखो और मेरे को कमेंट करके बता। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं अभी दूसरा लोकेशन में, ये देख लो बाहर से ऐसा है, अंदर तो गया नहीं है, जाके दिखाता हूं मैं आप लोग को। मैं अभी फिलहाल हूं गांधी रोड में, तो दिखा देता हूं आप लोग को एक बार। ये देख लो यहां की मूर्ति, लो ये था हम लोग का दूसरा जगह। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारा पंडाल है वैसे। हाँ भाई अभी आज सारा जगह घूमेंगे जितना भी है ना, हम लोग देखते हैं। ठीक ठीक है भैया, ठीक है चलो आगे चलते हैं। अभी ये था हम लोग का गांधी रोड का, हम लोग जा रहे हैं ऐसे गांधी रोड में जितना भी बना है, पहले 3 नंबर तक चलेंगे उधर, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाजार का, बीच में भी है एक और। ये देखो आगे में और भी बना है पंडाल, तो आगे चलते हैं अभी। हम पहुंच चुके अभी तीसरे जगह में, और ये देख लो भाई अभी करंट चले गया थोड़ा देर पहले, नहीं तो लाइट जलता था तो अच्छा दिखता था। अभी यहाँ जनरेटर कब जलाएंगे वो तो नहीं पता, फिर भी मैं आप लोग को अंदर से दिखा देता हूँ। इसे तो चलो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे और आगे जाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ जितना भी पंडाल बना है। वैसे यहाँ में अभी फिलहाल ना करेंट चले गया है, तो करेंट होने से ना अच्छे से दिखा पाता था। खैर कोई नहीं, चलो जितना होता है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सिद्धू फॉर यू मारिएगा यूट्यूब में, सिद्धू हम लोग का भी ब्लॉगिंग हो गया। हाँ भाई हो जाएगा, ये देखो रिकॉर्ड ऑन है, हम लोग को भी एक बार दिखा लीजिए। हाँ भैया ये देखो भाई लोग। हाँ भाई गणपति बप्पा मोरे भैया, पंडाल बनाए ना आज, सब कवर करने वाला हूँ मैं। अरे बाबा लोग ना आगे जा रहे हैं, पर करेंट चले गया ना, पता नहीं चल रहा है कहाँ पंडाल है। करेंट था तो लाइट उठ देख के पता चल जाता था। चलो आगे तक देखते हैं वो साइड में, अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो बाजार का साइड में जो है अंदर में वो वाला जाके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो गाइस मैं पहुंचा हूँ अभी चौथा लोकेशन में, और गाइस यहाँ में करेंट नहीं है तो मैं फ्लैश लाइट जला के दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये देख लो कुछ इस तरह है यहाँ का मूर्ति। चलो मैं एक दो सिनेमेटिक दिखा देता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइस अभी करंट नहीं है तो हम लोग ना कहीं थोड़ा देर बैठेंगे जाके, जब करंट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अंधेरा में ना थोड़ा अच्छे से दिख भी नहीं रहा है और मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस मैं हूँ अभी फिलहाल बाजार डाड़ में, बाजार डाड़ में दो पंडाल बनाए, एक बाजार के अंदर में और एक बाहर में, ये देख लो। तो चलो मैं यहाँ का दर्शन कराता हूँ। वैसे फिलहाल ना करेंट नहीं है तो यहाँ में ना जनरेटर जलाया, तो जनरेटर का लाइट से ही चलो काम चला लेते हैं। तो चलो मैं अभी बाजार डाड़ का अंदर वाला में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ में हवा तूफान चलने वाला है, अभी बारिश भी आएगा शायद से, और करेंट भी नहीं है, तो यहाँ में जनरेटर था इसलिए दिखा दिया, आगे पता नहीं करेंट रहेगा कि नहीं।
संडे मार्केट, मार्केट में ही पंडाल लगा हुआ है। तो गाइस ये हम लोग का बाजार का देख लो, बाजार बगल में, अभी तो बाजार उठ गया, हम लोग यही मार्केटिंग करने आते हैं, ये देख लो। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वैसे करंट आया नहीं अभी तक, जनरेटर से काम चला रहे हैं, देखता हूँ जहाँ जहाँ जनरेटर चल रहा होगा, जहाँ मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊंगा। चलो और बारिश भी आएगा शायद, यहाँ हवा भी चल रहा है पूरा, हवा तूफान। ये देखो बगल में है बेकरी और ये सामने में है और एक पंडाल, चलो मैं दिखाता हूँ। वैसे यार यहाँ में ना बारिश आके सब गड़बड़ कर दिया, मैं सोचा रात को अच्छा लाइटिंग वाइटिंग जलेगा तो अच्छा दिखेगा, सोच के मैं सोचा एक ही बार रात को बनाऊंगा करके, मैं दिन को आया भी नहीं और देखो क्या हो गया। ये देख लो हम लोग का एक यहाँ में पंडाल बना है, ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को। चलो एक टाइम भी ले लेते हैं। तो यहाँ में ना लौकी ड्रो भी है यहाँ में 100 रुपया में, तो भैया से जानते हैं वैसे मैं क्या क्या है क्या नहीं दिखाता हूँ, मैंने ले लिया है, वैसे मैं आप लोग को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलो मैं जानते हैं आगे चलते हैं और भैया लोग से पूछते हैं क्या क्या कितना तारीख को क्या है वो सब जानते हैं। तो ये देखो सब टोमेटो वाला बैठा है यहाँ में और बाकी वो सब जगह में जो है ना सब ये सब मिलेगा। ये देखो 100 रुपया मैंने ले लिया है, तो भैया अगर कोई लेता है तो ये कितना तारीख को ये होगा वो बता दीजिए पहले। ये हो गया अपना 11 तारीख को, ठीक है, रात को 9 बजे और क्या क्या है थोड़ा बता दीजिए भैया, ये सब है ना जो दिख रहा है। ये फर्स्ट प्राइस फ्रिज है, सेकंड प्राइस वॉशिंग मशीन, थर्ड प्राइस अलमीरा, ठीक है, फोर्थ प्राइस है स्विंग मशीन, अच्छा ठीक है, ठीक है, थर्ड प्राइस होम थिएटर, हाँ हाँ बाबू बेटा होम थिएटर दिखाओ, इंडक्शन, ठीक है, और कॉन्सोलेशन प्राइस है 8 पीस, ये अपना एयर, ठीक है भैया, सब घरेलू आइटम है, कुछ सब घर में काम आएगा आपको, ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो विसर्जन का एक दिन पहले होगा ना, विसर्जन 12 को या 11 को अपना लॉटरी ड्रॉ होगा, ठीक है, टाइम शाम को अपना 8 बजे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है भैया। और किसी का अगर ये निकलता है, जैसे मैंने अभी ले लिया है, अगर मेरा ले मतलब निकल गया और हम नहीं आया तो मतलब आपको घर पहुंच जाएगा या फोन करके आपको बता दिया जाएगा, जो जिसमें नंबर दिया हुआ है उसमें, ये जो टिकट में नंबर दिया गया है, ये नंबर, हाँ, ये नंबर लेना जरूरी है, ये टिकट लेके आना जरूरी है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, स्वास्तिक नाम है, ठीक है। और कीर्तन, कीर्तन का क्या बोल रहे थे, अपना अपना 10 तारीख को एक कीर्तन करवा रहे हैं, उसमें भी आओ बहुत मजा आएगा, महाप्रसाद भी उस दिन, ठीक है भैया, हाँ ठीक है, मैं भी आऊँगा, जरूर आऊँगा मैं भी, हाँ ठीक है गाइस, मैं 10 तारीख फिर से आऊँगा, वैसे आज तो बारिश आ गया ना तो उतना मैं ये नहीं कर पाया, खैर कोई नहीं, 10 तारीख कीर्तन है, 11 तारीख को लौकी ड्रो ये होगा, तो मैंने भी एक ले लिया है, अगर आप लोग को भी लेना है तो 100 रुपया है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अलमीरा है और बहुत सारा चीज़ है, तो देखते हैं मेरा क्या निकलता है, वो तो ऊपर वाला जाने। चलो चलो गाइस मैं यहाँ से निकल रहा, ऐसे बारिश भी आ रहा है, तो देखते हैं, और आगे और एक जगह है वहाँ मैं जाऊँगा, अभी वहाँ का दिखाता हूँ मैं आप लोग को। करंट आ गया भाई, नहीं तो हम लोग घर जाने वाले थे, सोचा मैं ऊपर जाके एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे वाला ये साइड में जाएंगे, तो चलो पहले ऊपर मार्केट चलते हैं। तो गाइस मैं हूँ अभी फिलहाल मार्केट का जस्ट ऊपर में, ये जाता है पतलकाट साइड और मेरा ये साइड में है मार्केट जस्ट बगल में, इसका बगल में एक पंडाल बना है। वैसे हम लोग घर जा रहे थे तो करंट आ गया, तो मैं सोचा एक बार आप लोग को यहाँ का भी दिखा दूँ। ये है हम लोग का ऊपर जो डेली मार्केट लगता है उसका जस्ट थोड़ा सा आगे में है, तो ये था, अभी हम लोग जाएंगे जहाँ में पेट्रोल पंप है ना, हम लोग का बैंक का सामने में, SBI बैंक का सामने में, वो सामने वाला, चलो वो लास्ट है हम लोग का, उसके बाद हम लोग यहाँ से घर निकलेंगे। ये रहा हम लोग का बिरमित्रापुर का पेट्रोल पंप, ये साइड में है SBI और ये साइड में है यूनाइटेड बैंक,
तो जस्ट इसका बगल में है हम लोग का ये देखो और एक पंडाल। चलो अभी मैं आप लोग को अंदर जाके दिखाता हूँ। ओके चलो मैं आप लोग को भी दर्शन करा दिया और मैं भी दर्शन कर लिया। वैसे हम लोग अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ लास्ट था हम लोग का। मैं और एक बार आऊँगा कल दिन का टाइम में, तो दिन में अलग से वीडियो बनाऊँगा, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना। और माफ़ करना अगर मैं और कहीं कवर नहीं कर पाया, क्योंकि करंट नहीं था, हम लोग जस्ट आए तो थोड़ा दूर एक दो जगह गए, उसके बाद करंट चले गया, तो उतना अच्छा से दिखा नहीं पाया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा मैं। तो सब्सक्राइब नहीं कराए कर देना, लाइक नहीं कराए कर देना। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।